तो इश्यू है कोविड-19 को लेकर। अगर हम बात करेंगे कोकरनाग के खारपुरा की, वहां पे जो आपको पता है कि खारपुरा को जो जो रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, और लगातार जो सैंपलिंग वहां से उठाए गए थे, और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट से 40 से ज्यादा केसेस जो सामने पॉजिटिव आए हैं, उनमें से कुछ केस जो वो रिकवर भी हुए हैं। तो लगातार जो हमें ये शिकायत मिल रही थी वहां से कि हमें जो सैंपलिंग यहाँ से उठा रहे हैं, खासकर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहां पे जो है लोग जो है वो ताउन नहीं कर रहे हैं। उसके चलते कल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कुछ बंदों के खिलाफ जो वो FIR भी लॉन्च किया है, जो वहां पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट नहीं कर रहे, जो लोगों को ये बता रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, सैंपलिंग नहीं दीजिए वहां पे, बहुत फिर हमें क्वारंटीन रखा जाएगा। मतलब जो इस तरीके से जो वो बात है वो लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चलते वहां पे जो है कुछ जो अफराद जो कि हमने कल न्यूज भी चलाई थी, 21 बंदों की जो है FIR वो लॉन्च हुई है लार्नो पुलिस स्टेशन में, और उनके खिलाफ बाजब्ता जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कुछ और भी अगर कोई हमें और भी इंफॉर्मेशन आती है कि कोई और भी वहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसी चलते इसी इश्यू को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट है अनिसुल इस्लाम, जो कि कोकरनाग से ही बिलोंग करते हैं और कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है अच्छी तरह से देखते हैं। इनसे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके काफी कॉन्टेक्ट भी है खारपुरा से। तो क्या मसला है, क्यों लोग जो है कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो उनसे क्यों नहीं रब्ता कर रहे हैं? सीधे ले चलते आपसे इनसे जाने की कोशिश करेंगे। जीके खबरनामा में आपका खैर मकदम है। इन साहब, कोविड-19 आपको पता है कि एक वबाही बीमारी है, तो आखिर क्या वजह है कि लोग जो है अभी भी टस से मस नहीं हो रहे? आज अगर हम बात करें जिस तरीके के जो पहले लॉकडाउन जो पालन कर रहे थे, आज उस तरीके से नजर नहीं आ रहे। रोडों पे इतनी गाड़ियां देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी रोड पे है, उसके बरक्स भी एडमिनिस्ट्रेशन भी रोड पे है, तब भी लोग जो है अभी जो है टस से मस नहीं हो पा रहे, क्योंकि अनंतनाग पहले कहीं नहीं था, अब जो 2 दिन की पहले की बात करें एक नंबर पे है और आज दूसरे नंबर पे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? शुक्रिया रही साहब। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे अपने लोगों को मेरा आदाब व सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी लोगों को पता है कि 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, और हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले दो महीने से कंटिन्यूसली लॉकडाउन है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लॉकडाउन का पालन पिछले दिनों से 1-1.5 महीने तक अच्छे से लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से जब से केसेस रेज हो रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तो सिंगल जो सबसे ज़्यादा केसेस आए वो पिछले 2-3 दिनों से आए, कल भी 60 केस आए, परसों उससे पहले भी 55 केसेस आए, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को अच्छे से नहीं देख रहे हैं कि लॉकडाउन का अभी कुछ दिनों से पालन नहीं हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत गाड़ियाँ चल रही है, लोग मतलब सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोगों के दिमाग में है क्या। दूसरी बात, जब से जब पहले 22 मार्च को इसी दरमियान पहला केस जब श्रीनगर में डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 1 महीना अनंतनाग को मिला हमें, मतलब 1 महीने तक अनंतनाग में कोई केस नहीं मिला, कोई केस पॉजिटिव नहीं देखा गया। लेकिन बदकिस्मती की बात है, उसके बाद अप्रैल 21-22 अप्रैल को पहला केस जो शांगस नौगाम का पॉजिटिव आया, उसके बाद कंटिन्यूसली हम पिछले 10-15 दिनों में लीड कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि 2 दिन पहले हम नंबर 1 पे आए थे, जो कि ये रेशियो पिछले 1 महीने से पहले तो हम 0 पे थे, लेकिन जब 1 महीने के बाद हम स्टार्ट यहाँ पे पॉजिटिव केसेस शुरू हो गए, उसके बाद हम कुछ ही दिनों में हमने क्रॉस किया, हम नंबर 1 पे, हमने श्रीनगर को भी पीछे छोड़ा, हमने बांडीपुरा को भी पीछे छोड़ा। लेकिन अब कल जब 1-2 दिनों से पॉजिटिव केस नहीं आए अनंतनाग में, तो श्रीनगर नंबर 1 पे, लेकिन फिर भी अनंतनाग भी नंबर 2 पे चल रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हमारे मुतासिर, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो मुतासिर पॉजिटिव कोरोना वायरस से जो आए केस आ रहे हैं, वो हमारे शांगस नौगाम और हमारे खारापुरा से, कोकरनाग खारापुरा से आ रहे हैं। खारापुरा से कम 40 से ज्यादा केस एक्टिव इस टाइम है, जो भी अभी जिनको एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन में रखा गया है, उनकी सैंपल्स ले रहे हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ लोगों को अभी नेगेटिव नहीं आया है। सुनने में आया है कि आज कुछ लोगों का टेस्ट शाम तक आ जाएगा, तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 1-2 दिनों से वहां पे एक जबरदस्त एक ना वो जो कैंपेन वहां पे चली लोगों के दौरान, कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने वहां पे कुछ लोगों को उकसाया, कहा कि सैंपलिंग नहीं करनी है, अगर हम सैंपलिंग करेंगे अगर हमें कुछ, या ये ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई वायरस वायरस नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं, अगर हमें टेस्ट कराएंगे हमें पॉजिटिव करार करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन में करेंगे, लोगों को उकसा के लोग वायलेट हो गए वहां पे। तो लोगों ने बोला कि हम सैंपलिंग नहीं देंगे। उसके बावजूद जब वहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने समझाने की कोशिश करी होगी, तो उसके बावजूद वो उन्होंने समझा नहीं, तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे जाना पड़ा। और जो अभी आपके माध्यम से वो मतलब आपके प्रेस के माध्यम से हमने सुन रहे हैं कि अकीस की कोशिश करी होगी, तो उसके बावजूद वो समझ उन्होंने समझा नहीं, तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे जाना पड़ा। और जो अभी आपके माध्यम से वो मतलब आपके प्रेस के माध्यम से हमने सुन रहे हैं कि 21 लोगों को FIR लॉन्च हुआ है। लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस दौरान भी महामारी चल रही है, लॉकडाउन है, हमें सोचना है कि हम कैसे इस महामारी से बचे। लोग इस टाइम भी प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लारनू में खारापुरा में 21 लोगों को FIR लॉन्च करना पड़ा। देखो ये तो एक चिंता की बात है। अगर वायरस है, अगर हम लोगों को अगर लोग वहां पे सैंपल उठाने नहीं देंगे, चलो ठीक है हम मानेंगे कि अभी आज के बाद लोग सैंपल्स नहीं करेंगे, जो अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव केस होंगे जिनकी सैंपल्स नहीं उठेगी, अगर वो वहां पे रहेंगे तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, वहां पे आने वाले टाइम में वो पूरा गाँव इवन की वो पूरा इलाका इस मुसीबत में पड़ सकता है। तो हमें मतलब मेरी पर्सनली यही कोशिश है, मतलब मैं भी कल से कांटेक्ट कर रहा हूँ वहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं सिंस फ्रॉम डे फर्स्ट जब से लॉकडाउन का मसला हुआ मैं पूरे कोकरनाक के लोगों को देख रहा हूँ फोन पे, या मैं ग्राउंड पे भी जा रहा हूँ, मैं उन मतलब कल से भी खारपुर वालों से बात कर रहा हूँ, आप ऐसे मत करो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप मतलब ताउन करें, उनको आप कॉपरेट करें, वहाँ पे सैंपल्स जितने जितने लोगों को फर्स्ट केस मतलब कंटैक्ट जो हो रहे हैं उनके आप उनको सैंपल्स देने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन अगर हम अगर वो वहाँ के देखो खारापुरा के लोग मेरे अपने लोग हैं, अगर अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो हमें प्रॉब्लम है, मतलब इस टाइम खारापुरा के लोग मुसीबत में नहीं, इस टाइम हम मुसीबत में हैं। देखो हमने समझा है कि खारापुरा कोकरनाग के लोग उनकी जम्मू कश्मीर के लोग सारे लोग हमारे अपने हैं, अगर खारापुरा के लोगों को मुसीबत है वो हमें मुसीबत है, वो मुझे मुसीबत है, वो मैं भी झेल रहा हूँ कि लोग परेशानी है, लोगों को वहां पे कुछ चीजें नहीं मिल रही, हम भी कोशिश कर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे अजीम साहब भी खुली कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोगों को जितने भी नीड्स है वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी SDM साहब के साथ कंटेक्ट में हैं, हर दिन उनके साथ बात होती है, हर दिन SDM साहब कहते हैं कि हमने वहाँ पे राशन भेज दिया, हमने वहाँ पे दवाई भेज दी, हमने वहाँ पे जो सब्जी वगैरह वो भेज दिया, मतलब हर एक SDM साहब जो हमारे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जो उनको जो डे टू डे नीड से वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे, ताकि जब तक हम इस लड़ाई से हम देश जीत सके। मैं खारापुर वालों से यही मतलब मेरे दिल से यही उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें, एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे आने दो, और हमारे जो GMC वाले जो मेडिकल या पैरामेडिकल के लोग वहां पे आ रहे हैं सैंपल्स के लिए उनको वहां पे आने दो, सैंपल जितने भी उठेंगे हमसे उससे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे मसला भी है क्या। ये सब आपने, मैं आपको बता दूं कि जो खारपुरा के लोग हैं वहाँ से भी कुछ फोन आ रहे थे कि कल फ्राइडे थी, फ्राइडे के एक तो शाम के बाद जो ही शाम हो जाती है सारे रोड पे निकल जाते हैं पूरा गांव, और उसके साथ साथ कल हमने ये भी सुनने में आया कि वहां पे फ्राइडे प्रेयर्स भी पड़ेंगे। आप ये देखिए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में भी है, वहां पे भी जो है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते हैं, खासकर अगर हम जुम्मे की नमाज है वहां कल जुम्मा नमाज भी पढ़ाएगी। तो इस तरीके से लोगों को दिमाग में क्या रखा गया है कि ये कोई जिस तरीके से लोग बाहर आ गए, पहले पहले की अगर बात करें लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, फिर रेड जोन किस नाम से। तो ये चीजें आपने वहां पे लोगों से बात की, उनको ये समझाया कि अगर आपका ये जो दिमाग में जो बातें हैं ये रेड जोन है, रेड जोन का मतलब है घर से बाहर ना निकले। देखो रेस भाई, डे फर्स्ट से जब से खारपुरा में पॉजिटिव केस आया, जब से रेड जोन उसको करार दिया गया, तब से ही हमने सारे लोगों को वहां पे पूरे उनके पूरे गांव को हमने बोला कि आप होम क्वारंटाइन में चले जाओ, क्योंकि एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम दौड़ के नहीं जीत सकते, ऐसी रेस है जो हम दौड़ के नहीं जीत सकते, ये ऐसी रेस है जो हम घर में बैठ के जीत सकते हैं। लेकिन देखो बदकिस्मत हमें भी ये फोन आ रहे हैं कि लोग वहां पे, देखो लोगों को मैं डे फर्स्ट से बता रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, चलो 6-7 बजे तक कर्फ्यू है, 6-7 बजे के बाद कर्फ्यू में डील है,
हम घरों से निकलेंगे, बाहर दुकानों के बैठेंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ मसला है नहीं, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो पूरी दुनिया में वबा फैला है। अब अमेरिका की बात देखो, 85,000 लोगों की डेथ हो गई है जी। अब इमेजिन करो, मतलब पूरे, मतलब हम सोच रहे थे कि हमारे कश्मीर में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमने दिमाग, हमारे दिमाग में नहीं था कि खारपुरा एक हब बन जाएगा, लेकिन आजकल की डेट में ये तो है, हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, खारपुरा एक हब बन चुका है। देखो अब दूसरी बात है कि ग्रीन जोन में लोग बाहर नहीं आ रहे, ग्रीन जोन में लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, उनकी आप देखो सऊदी अरब में अभी अनाउंस हुआ कि ईद के दिन कर्फ्यू है, ईद नमाज भी नहीं पढ़ेगी पढ़ेंगे वहां पे मस्जिदों में। अगर वहां पे है, सारे ग्रैंड मुफ्तीज बता रहे हैं, सारे मुफ्तीज जितने भी पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के मुफ्तीज बता रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी पूरे जम्मू कश्मीर के मुफ्ती से, उन्होंने बोला कि ये है इस्लाम में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी वबाई कोई बीमारी है उस टाइम हम अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। देखो जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमें अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं ना, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो अल्लाह ताला को कैसे याद करेंगे। एक अच्छी, सबसे अच्छी बात है कि मतलब जितने भी हमारे मुफ्ती साहब हैं उन्होंने बार बार, चाहे वो सोशल मीडिया की तरह हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे इसको क्या प्रिंट मीडिया हो, हर मीडिया की दौरान उन्होंने ये लोगों को कहने की कोशिश करी कि आप घर में नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज हम घर में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि महरमजान में भी मुफ्तीज ने बोला कि घर में ग्रीन जोन में नमाज, उनके सारे जो कि जहां पे ना ग्रीन जोन है ना, जहां पे ना ऑरेंज जोन है ना रेड जोन है, ग्रीन जोन में नमाज, उनके सारे जो कि जहां पे ना ग्रीन जोन है ना, जहां पे ना ऑरेंज जोन है ना रेड जोन है, वहां पे भी लोगों को मुफ्ती साहब ने बोला है कि आप घर में नमाज पढ़ो। हमारा जो कारपुर है वो तो रेड जोन है, लोग देखो लोगों के अंदर ऐसा क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले सीजन में, मतलब सीधी सी बात है, आपने खुद बोला खारपुरा जो है वो रेड जोन में है, वो डिक्लेयर भी किया गया है, मगर जिस तरीके से वहाँ पे लोग जो है मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आने वाले, अगर हम बात करें वहाँ पे फ्रूट जो है, फ्रूट के साथ काफ़ी लोग जो है वाबस्ता है, तो उनके लिए काफ़ी दुश्वारियाँ सामने आएगी, जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं, और उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी, और आखिर पर जो लोग वहां पे वायलेट कर रहे हैं लोगों को उकसाने के लिए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखो रईस साहब, सिंपल सी बात है, जो लोग वहां पे लोगों को उकसा रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उनके लिए तो कानून बना है। देखो वो सिर्फ उन लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल रहे, सिर्फ खारपुड़ा के लोगों के, वो पूरे कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों, लोगों के जान जोखिम में डाल जी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, मतलब मैं एसडीएम साहब से हमबो रिक्वेस्ट करता हूँ, डीएसपी साहब जो हमारे लार्मी के एसएचओ, उनसे हमबो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग इस वायलेशन में हैं, जो लोग वहां के लोगों को उकसा रहे हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी आप सजा करें, क्योंकि जो देखो मसला है कि खारपुरा के लोग बहुत, मतलब हमारे कुकरना की बात हम करें, सारे कुकरना के लोगों की रिलेशन खारपुरा के साथ है, मतलब वाबस्ता, बिजनेस वाबस्ता है, ब्लड रिलेशंस है, मतलब बहुत सारी रिलेशन या दो फ्रेंडशिप है, मतलब जब ये ऐसा कुछ मसला होगा तो लोग बाहर आएंगे, इसमें से तो सारा कुकरना तो इन्वॉल्व हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो वायलेट लोगों को कर रहे हैं वो सिर्फ खारापुरा लोगों को उनकी जान जोखिम में नहीं डाल रहे, वो पूरे कुकरना के, उनके पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं जी। देखो हमें ऐसे पता चलेगा इंशाल्लाह, हम ये जंग जीत जाएंगे, ये लड़ाई हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है, लेकिन तभी जीतेंगे जब खारापुरा के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल ताउन करेंगे। मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से हाथ जोड़ के मैं खारापुरा के लोगों को ये दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट में रहे, उनको आप उनके साथ ताउन करें, उनको जितने भी सैंपल्स वहाँ से उठाने वो उठाए, ताकि हमें पता चलेगा कि ये वायरस खारापुरा में कहाँ पहुँचा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, क्योंकि ये वायरस देखो, अगर हम आज दो दिन तीन दिन अगर ये प्रोसेस रुक गई, जिनको जो पॉजिटिव वहाँ पर होंगे अगर वो बाहर आएंगे तो कितने लोगों को वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए यही हम रिक्वेस्ट है कि खारापुरा के लोगों को, खास करके वहाँ के जो वहाँ के एजड लोग हैं, जो अवकाफ कमेटी, जितनी भी कमेटीज़ है, अवकाफ कमेटी है, मोहल्ला कमेटीज़ है, उनसे जो उनको हेड है, उनको मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन में रहे, अपने लोगों को समझाए, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे खारापुरा जाने की, अगर एक दो दिनों में इंशाल्लाह हमें परमिशन मिला, हम भी कोशिश करेंगे खारापुरा जाए, वहाँ के लोगों को समझाएंगे कि आप सैंपल ऐसा कुछ है नहीं, इंशाल्लाह हम इस बीमारी को हराएंगे, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि महर रमजान का महीना चला है, इस पाक महीने में हम भी दुआ कर रहे हैं कि हमें इस
वायरस से नजात मिले। और यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ खारापुरा के लोगों को, और आप ताउन करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर आप ताउन करके तभी हम इस वायरस से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात है, खारापुरा के लोगों को हम उनके साथ शाना बशाना है। कोई भी प्रॉब्लम उनको है होगी, चाहे वो राशन के रिलेटेड हो, चाहे वो दवाई के रिलेटेड हो, लाइफ सेव ड्रग्स के रिलेटेड हो, जो भी उनको नीड्स चाहिए आपके वसादत से, अगर आप भी वो फ़ोन करेंगे, अगर मुझे नहीं कर सकते मैं अपना नंबर भी दूंगा, अगर वो मुझे, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9419309555, वो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी नीड्स उनको चाहिए, जो भी उनको हमारी तरफ से मदद चाहिए, जो भी पॉसिबल मदद होगा वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी हम इस वायरस को हरा सकते हैं जब खारापुरा के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनिसुल इस्लाम, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। इनका साफ साफ यही कहना था कि खारपुरा लोगों को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें, और आखिर पर हम भी लगातार जो भी खारपुरा के रिलेटेड कोई भी जो इशू, जो मसला होता है, हम हाईलाइट करते हैं। और हमने हाल ही में जो भी प्रॉब्लम्स थी, हमने चाहे SDM कोकरनाग से वो उठाए, या उसके जो उससे पहले भी कुछ जो पेशेंट्स थे जो क्वारंटाइन में रखे थे, उनका भी कोई मसला था, वो भी हमने हाईलाइट किया, वो भी उनका इशू हल हुआ। मगर एक चीज़ हम फिर से रिपीट करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस वक्त अगर हम बात करें, खारपुरा में वो इन्फेक्शन हब बन चुका है, ऐसा ना हो कि खारपुरा हमेशा रेड जोन में रहे। और ये लोगों तक है, अगर लोग अभी भी वहाँ पे सैंपलिंग नहीं उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का ताऊ ना करेंगे, ये रेड जोन तब तक नहीं उठेगा जब तक कि वहाँ का एक एक बंदा जो है नेगेटिव नहीं आ सकता। और अभी इन्फेक्शन हब है, डिक्लेयर तो रेड जोन है, और रेड जोन 40 केस वहाँ पे है। तो हमें चाहिए हम जल्दी से जल्दी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे आते हैं, उनको सपोर्ट करें, और यहाँ से उनको बुलाए कि सैंपलिंग उठाइए, ताकि ये डिक्लेयर हो जाए कि खारपुरा हमेशा जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसको रेड जोन जो है उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दे, वो जल्दी से जल्दी मुमकिन होगा जब आप लोग जो है वो सपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करें, ना कि किसी के उकसाने में आए, कोई आपको बोले कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, आप सैंपलिंग ना दे, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये चीज़ें हमने भी सुने, मगर हम वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे जो मतलब बड़े भाई हैं, उनको भी चाहिए था कि ऐसी बातें जो है लोगों के जहन में ना रखे, उनको उसके बदले उनको ये बताइए कि आप बाहर निकले, एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन करें, उनको सैंपलिंग जो उठाने में उनको मदद कीजिए, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे खाने के रिलेटेड या मेडिसिन के रिलेटेड, वॉलंटरली जो लोग जो मदद कर रहे हैं, हम भी, हमारे नंबर्स भी आपके पास है, और जो हमारे अनिसुल इस्लाम है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, ये भी ग्राउंड पे होते हैं। जहाँ भी हमें कोई लगता है कि कोई हमारा नीडी पर्सन फ़ोन करता है, हम बाज़ाबता इनसे कार्रवाई जो फ़ोन पे रब्ता करते हैं और ये उन तक पहुँच जाता है। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर आपके इलाके में भी कोई प्रॉब्लम हो, खासकर खारपुरा की, आज हमारा इशू जो है वो खारपुरा के रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो लोगों के खिलाफ, जो वहाँ पे 21 अफराद के खिलाफ FIR लॉन्च हुआ है, वो इसीलिए हुआ है ताकि वो लोगों को उकसा रहे हैं और उनको जो है सैंपलिंग करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ताउन जो है उनको नहीं दे पा रहे थे। और मजीद उनका जो हमने ऑफिसरान से बात की, उनका ये भी कहना था, मजीद हमें खारपुरा का डोर टू डोर सैंपलिंग करनी है, अगर कोई फिर से हमें रास्ते में आएगा, कोई अड़चन बन जाएगा जो हमें सैंपलिंग नहीं उठाने देगा, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। आप हमें दीजिए इजाज़त। इसी आखिर पर फिर से मैं आपको अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें और सैंपलिंग उठाने में कोई देरी ना करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरामैन इमरान नज़ीर के साथ, मैं रईस वानी, JK खबर 9, अनंतनाग।